Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling. तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हॉल ऑफ फेम। यही रास्ते में मतलब जब आप कारगिल की तरफ जाते हो तो पड़ता है। बाकी कार दिखवा ली है, फैन उसका चल रहा है, शायद उसका कनेक्टर हिल गया था तो अब सही है सब। तो चलिए आपको दिखाते हैं हॉल ऑफ फेम। तो ये हम लोग हैं हॉल ऑफ फेम के सामने। इस टाइम काफ़ी सही है, सारे टैंक्स यूज़ हुए थे। इतनी सारी डायनेस्टीज हैं यार। रॉकेट लॉन्चर्स हैं भाई साहब। ये लोग ये भी कैप्चर्ड, ये भी पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर कैप्चर ड्यूरिंग कारगिल वॉर। और ये क्या सभी पाकिस्तान के हैं। ये चाइनीज वेपन्स हैं। ये हेलीकॉप्टर से जो फेंका जाता है वही चीज़ है। तो पूरा बाहर के फेंकते हैं ना, जैसे ये देखिए विंग्स हेलीकॉप्टर के। पोर्टेबल एल्टीट्यूड चैम्बर है, इसमें सो जाते हैं। ये स्केट्स हैं, सब यूज़ होता है वहाँ पे सियाचेन में। ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब। ये क्या चीज़ है? अच्छा, कंसेंट्रेटर। एवलांच रॉड, पुली, सब है ये सब। देखो बिले ब्रेकर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। जमा राइट हैंड, चोकनट, सब यूज़ करते होंगे ये लोग। प्रॉपर ट्रैकिंग की चीज़ें हैं। ये आई थिंक चम्मच कुछ शूज टाइप का लग रहा है। चलिए नेक्स्ट। तो वहाँ इतनी ठंड होती है। स्नो बोर्डिंग करने के लिए कैम सही है। अच्छा, सॉलिड कैंप है, हवा से हिलेगा नहीं। नॉर्मल वाले तो हवा से हिल जाते हैं। खूब लगा ये भी पाकिस्तानी कैप्चर्ड हैं सब, ये भी पाकिस्तानी कैप्चर्ड कारगिल वॉर में। एयर राइफल 7.62 mm। ये भी राइफल है, ये AK-47 है। ओके, This is AK-47. Nice. 2003-04 Indian Army HAVL सिंह 1 सिख रेजिमेंट सिख। वाह, जहाबार सिंह राम नारायण हरि राम। तो बाय बाय, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुरुद्वारा पत्थर साहिब। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। चलते कैसा है ये गुरुद्वारा, प्रॉपरली मिलिट्री के अंडर में। पता नहीं कैमरा अलाउड है नहीं है। ये रहा राइट में पत्थर साहिब गुरुद्वारा। अभी सन बिल्कुल अपोजिट है तो कुछ दिख ही नहीं रहा। और ये रहा जहाँ से जो हिस्ट्री है ना, एक डीमन ने ऊपर से पत्थर फेंका था, तो वो ऊपर जाते हैं लोग देखने जहाँ से पत्थर फेंका था। और गुरु नानक देव जी यहाँ पे गुरुद्वारे में गुरुद्वारा नहीं था उस टाइम, यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। गाँव वाले भी उस डेविल से बहुत परेशान थे, तो उसने पत्थर फेंका तो पत्थर ने उनकी पूरी मेडिटेशन का जो पोज होता है वैसा शेप ले लिया उनकी बॉडी का। तो ये हिस्ट्री है यहाँ की। और उसके बाद से वो डेविल भी पार्ट चेंज कर लिया और फॉलोअर बन गया। तो बेसिकली यही हिस्ट्री थी। बाकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ। थोड़े बहुत शॉट्स जो आपने अभी देखे वही हैं। बाकी अब देखो आगे जा रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक हिल की तरफ। उसके बाद देखते हैं कोई मॉनेस्ट्री यहाँ पे है तो वो देख लेंगे। बस फिर जहाँ शाम वाम होगी वहाँ स्टे कर लेंगे जहाँ तक पहुँचे, यही प्लान है आज का।